हेलो फ्रेंड। तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है शाम का टाइम और हम पी रहे शाम के टाइम की चाय। पहाड़ों में कुछ ना भी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दियों में तो लोग सभी चाय पीते हैं क्योंकि सर्दी होती लगती है, लेकिन हम पहाड़ी लोग गर्मियों में तक चाय पीते, कितनी भी गर्मी हो लेकिन चाय तो ज़रूर पीते हैं। जूस का डिब्बा रखा है लेकिन मन नहीं कर रहा ठंडा जूस पीने का, क्योंकि चाय की आदत ऐसी होती है कि बिना चाय पिए मन ही नहीं लगता। और मेरे पास में बैठ गए मेरे हस्बैंड जी। लगभग हो गए कितने दिन हुए, 4 दिन हो गए, लेकिन जो इनकी हिचकियाँ हैं वो बंद ही नहीं हो पा रही है ना। तो बताओ कैसे कैसे क्यों हो रही है आपको हिचकी? मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्यों हो रही है। सच्ची? रात में किसी किसी टाइम बंद हो रही है। हाँ, जब नींद आ रही है उसके बाद सुबह होते ही हिचकी स्टार्ट हो रही है। दवाई भी ले ली। हाँ, उसका कोई तो असर नहीं हो रहा है। हाँ, मैं आप लोगों से जो भी वीडियो देख रहे, अगर जिनको कोई उपाय पता है, कोई नुस्खा पता है तो वो जरूर बताएं कि ऐसा क्या करें जिसके जिससे मेरे हस्बैंड की जो हिचकी आ रही वो बंद हो जाए ना। और एक नुस्खा हमने यूट्यूब पे देखा था, वो भी किया लेकिन उसको करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो नुस्खा ये था, अभी मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पर ये बता रहे थे 7 बार यहाँ दबाना है और 7 बार ये पैरों के नीचे बता रहे थे ना, यहाँ दबाने के लिए ऐसे करके ऐसे करके यूट्यूब पे बोल रहे थे। तो लगभग 7 बार यहाँ दबाया, 7 बार यहाँ दबाया, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं हुआ ना कुछ। अभी भी आप लोगों के सामने कर रहे इस नुस्खे को। अभी देखो 7 बार दबा रहे, यहाँ घुटने के नीचे बोर्ड रखा था और पैरों के नीचे उंगली पे। 7 बार क्या, 10 बार दबा दिया, कुछ नहीं हो रहा। हो रहा कुछ, हिचकी आ रही नहीं है। हिचकी वैसे की वैसी है, क्या पता चाय पीने के बाद बंद हो जाए। ये देखो मुझे ऐसे भी आ रही, 4 दिन हो गए, 4 दिन ये लगे हुए ऐसे करने पे। होता है, पहाड़ी भाषा में बोलते बड़ूदी बोलते। तो हिचकियाँ इसीलिए आती है, हमारे घरवाली में बोलते हैं जब कोई याद करता है तो तब हिचकियाँ आती है, लेकिन हद हो गई इन हिचकियों की। इनको तो 4 दिन हो गए लेकिन एक भी टाइम ये हिचकियाँ बंद नहीं हो रही, इसीलिए परेशानी हो रही होगी ना। कोई याद नहीं कर रहा है, जान से मारने की कोशिश कर रहा है कोई। याद वाली बात नहीं, लेकिन परेशानी हो रही होगी क्योंकि सीने में भी दर्द हो रहा होगा ये हिचकी। फेफड़ों में दर्द हो रहा है और हाँ वही तो, सोने में दिक्कत आ रही है बहुत। अच्छा, 15 मिनट की नींद आती है तुरंत हिचकी शुरू हो जाती है। वही तो मैं यही बोल रही, अगर किसी को पता है, क्योंकि दवाई भी ले ली है ना। और अभी मैंने इनके लिए गर्म चाय दी है पीने के लिए, अब देखते हैं गर्म चाय पीकर हिचकी बंद होती है या नहीं। हो रही ना, जिस टाइम चाय पी रहे ना, जिस टाइम उस टाइम बंद हो रही, लेकिन उसके लगभग 1 घंटे बाद है ना, 1 घंटे बाद फिर से शुरू हो रही। इसीलिए मैंने इनके लिए गर्म चाय दी पीने के लिए, थोड़ी देर के लिए इनको रेस्ट मिलेगा, हिचकी बंद होगी। क्योंकि चाय तो हम हमेशा ही पीते हैं, इनके इनको 4 दिन से लगभग हैं लगातार हिचकी आ रही। तो कल भी मैंने इनके लिए सुबह और शाम को हम 2 टाइम की चाय पीते हैं, तो इनके लिए चाय दी। तो उस टाइम थोड़ा सही हो रहा, फिर जैसे ही चाय पच रही पेट में वैसे ही हिचकी शुरू हो रही है ना। अरे परेशान हो गए मेरे पतिदेव जी, दर्द हो रहा है पूरे छाती में। वही तो, ये बोल रहे सीने में दर्द हो रहा चाय पी पी के, ये सॉरी वो क्या बोलते हिचकी। वही तो, अब नहीं देखो खेड़ रहे हैं, अब नहीं ने देखो यहाँ पे प्याज का काट कर रखा है। ये प्लास्टिक क्या कर रहे, आग जला रही इससे। आइए देखो ये क्या चूल्हा बना रखा है, हैं देखो लकड़ियाँ लगा रखी चूल्हे पे आग जलाने के लिए। आइए देखो प्याज काट का बर्तन देखो कितने गंदे हो। आइए क्या रखा है, तेल चाकू है, खाना बढ़ रहा, क्या बना रही है, इधर देखना क्या बना रही है। अच्छा अंश इधर देखना, अंश तेरी चाय ठंडी हो रही, चाय पी ले एक बार, वहां पे रखी हो आप। इनकी इनकी छुट्टियाँ भी पूरी होने वाली स्कूल की, आज हो गई हैं, कितनी तारीख है, 27 तारीख है ना अंश, अब कुल 2-3 दिन ही बचे हैं छुट्टी के, मौज मस्ती का लो ठीक है। इसके बाद स्कूल खुलेगी, फिर स्कूल जाना पड़ेगा है ना। ये जला दी अंश ने आग और अब बनेगा अवनी का खाना। ए तेल गिर जाएगा नीचे, ढक्कन लगा दे इस पर।
ये देखो अंश की आग जली है, अंश आग जला रखी ना, इधर देख ना, चाय ठंडी हो रही, तेरी चाय पी ले। हो गया, अपनी बहन की हेल्प कर रहा, उसको आग जलानी नहीं आती इसीलिए इसने आग जला के दी है ना। मेरे पति देव चाय पी के लेट गए, हो गई हिचकी बंद। हाँ मतलब दवाई से ज्यादा असर चाय काम कर रही है ना, गरम चाय है ना, थोड़ी देर के लिए असर कर रही है उसके बाद मुझे लग रहा है मुझे सर्दी हो गई। अच्छा सर्दी के का, क्योंकि ये नदी में गए ना नहाने के लिए, हाँ नदी के पानी से नहाए तो नदी में ठंडा पकु ज्यादा ही ठंडा पानी होता है ना, क्योंकि आजकल बर्फ पिघल के नीचे आ रही गर्मियों के टाइम पे इसीलिए है ना। अब मत जाना ठीक है। और ये देखो जोंक, छी आजकल ज्यादा से ज्यादा नमक इन जोंकों पे चला जाता है, क्योंकि ये ना इनको ना मार सकते ना काट सकते है ना, नमक ही पे गल जाते हैं ये। ये देखो पैर पे काट लिया जोंक ने। और ये मेरे पति देव जी भी आ गए मार्केट से, आ गए हाथ में क्या क्या है हाथ में? अच्छा मैंने सोचा मेरे लिए कुछ लाए गिफ्ट, क्या है वो इधर दिखाओ। अच्छा कैंडल, लाइट नहीं है ना आज, लगभग सुबह तो से आ गई थी लाइट, सुबह से लाइट नहीं है, आई लेकिन चली भी गई, दो मिनट से, दो मिनट के लिए आई होगी लाइट, दो मिनट में कुछ तो अरे